अब बाबा उस सीट पर आ रहे हैं हम लोग, जिस सीट के चलते क्या बोले, बिहार की राजनीति में बवंडर आई है, बवंडर आए, भूचाल, सुनामी, सब कह कड़वाहट रहे हो थे। कार्यकर्ता गई। लोगों ने अपने ही पार्टी के कद्दावर नेता को आईना दिखाया, हूँ, कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता रहूंगा, रहूंगा, तिरस्कार। ये तो कॉमन वर्ड हो गया आपके लिए 2019 के चुनाव में। को भवन में चले गए थे, नवादा की सीट से गिरिराज सिंह का पत्ता कट गया था। शुरू में वीना देवी को इस टिकट कर चुनाव लड़ाने की बात हुई थी, मगर फिर मतलब डबल ट्विस्ट हो गया। नहीं, एक बार ट्विस्ट हुआ, यहां से हटाकर भेजा गया गिरिराज सिंह, तो वो खपा हो गए। फिर वीना देवी आई, वीना देवी लैंड करते ही उनको कहा गया आप भी जाइए यहां से, अब आपके यहां से लड़ेंगे देवर देवर, अब उनके देवर यहां से चुनाव लड़ेंगे, और उनके देवर यहां से चुनाव लड़े। अंततः एलजेपी की ये सीट है, वीना देवी जीत तो चुकी थी, कहा जा सकता है अगर एक तरह से लड़ती तो कितना मजबूत है। एजा के मजबूती के जहाँ तक सवाल बोले कि विभा देवी जो चुनाव लड़ते रही आरजेडी से, उनका खातिर राबड़ी देवी बहुत कम लोग के प्रचार कैले बाड़ी, लेकिन ओमे एगो विभा देवी भी रली है, जिनका खातिर उनका के उनका इतिहास बोले कि राजवल्लभ के पत्नी बाड़ी जी, और राजवल्लभ के नाम से उनका के जुड़ल जो मजबूरी हो गई बा, ऐसे मजबूरी हो गई बा कि परिवार के सदस्य में अगर एक आदमी कोई गलत करेला तो पूरा परिवार कहीं ना कहीं बैकफुट पर। जब परिवार के कोई सदस्य गलत करते हैं तो उनका आरोप नहीं लगना चाहिए दूसरे परिवार पर, तो अच्छा करने का भी तो नहीं लगना चाहिए। लालू यादव अगर गरीबों के मसीहा थे तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरे पिता हैं मुझे वोट दीजिए, तो लालू यादव के भ्रष्टाचार का भी तो उनको मिलना चाहिए, उनके मसीहा होने का भी तो मिलना चाहिए। तो विभा देवी अगर अपने इंडिपेंडेंट छवि पर लड़ना चाहती थी तो वो बिना पार्टी के भी लड़ सकती थी। अगर वो चुनाव लड़ती हैं और उनके पति के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा है महिलाओं के प्रति हिंसा का, इस तरह के यौन शोषण का, तो ये कहीं ना कहीं बैकफायर करेगा। अब राबड़ी देवी और मीसा भारती के सपोर्ट से कोई मतलब नहीं बनता है, जनता का भी अपना मिजाज होता है। हालांकि बिहार की राजनीति में बाबा कुछ डिफरेंसेस और भी आते हैं, जातिगत समीकरण काम करता है, कौन किसके पीछे खड़ा है ये भी इंपॉर्टेंट है। पूरे चुनाव तो वो जेल में रहे हैं, तो राजवल्लभ तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। ऐसे में अगर बड़े बड़े चुनाव चुनावी चेहरे सामने आते हैं तो फायदा उसका मिलेगा। संवेदना वाला बात जो उनको कहता था, संवेदना वाला सिंपैथी वोट जो हुई वो हो सकेला उनका तरफ आवे, एमओआई फैक्टर भी बढ़ गए। एजा से अभी तक ले जो आंकड़ा आ रहा बा ओकरा में एलजेपी के जीते के चांस ज्यादा बा।